ओके जी, तो गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी धनतेरस टू ऑल ऑफ यू। आज है धनतेरस और आज से मैंने एक नया प्रण लिया कि मैं आज से मैं करने वाला हूँ डेली ब्लॉगिंग। अब जैसे भी होगा बट डेली ब्लॉग करेंगे, क्योंकि एक साल पहले हम लोग डेली ब्लॉग किया करते थे, यही समय था दिवाली और छठ का समय था, तभी मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की थी। उस समय मैंने डेली ब्लॉग किया था 1 महीने लगातार। और देखो, जब मैं चाहूँ ना कुछ करने के लिए तो अपने आप वो होता जाएगा, मतलब जब हम लोग चाहेंगे ना कि चीज़ को अच्छे से मन से चाहेंगे कहीं ना कहीं से कंटेंट मिलता जाएगा, रोज़ हम लोग ब्लॉग बनते जाएगा, जैसे पिछली बार मैंने 1 महीना किया था। तो फिलहाल का सीन अभी ये है कि आज धनतेरस, आज जाना हम लोग मार्केट शॉपिंग करने के लिए। हर धनतेरस में शॉपिंग होती है और जैसे वो रसम होती है, शुभ होता है खरीदना, कुछ कुछ खरीदना शुभ होता है, वही सब खरीदने के लिए जाना है। आज भी पिछले साल भी गए थे हम लोग, इस साल भी जाना है। तो अभी अभी बज रहे हैं 9:30 और अभी मैंने नहाने के लिए पानी गर्म करने को रख दिया है। पिछली साल दिवाली और छठ के समय इतनी ठंडी नहीं पड़ी थी, बट इस बार ठंडी लग रही है। सुबह सुबह मैं जब जिम जा रहा हूँ तो मेरे को ठंडी लग रही है, ट्रैक सूट पहन के मैंने जिम जाना स्टार्ट कर दिया और अब मैंने गर्म पानी से नहाना भी स्टार्ट कर दिया क्योंकि ठंडी लग रही है ठंडे पानी से नहाने में। तो फिलहाल अभी नहाने का पानी रख दिया, नहाएंगे और फिर 12-1 बजे से जाएंगे हम लोग मार्केट, मैं और मम्मी जाने वाला है। तो आज से ब्लॉगिंग स्टार्ट करने वाला है, आज से डेली ब्लॉग स्टार्ट हो चुके हैं। तो फिलहाल चलते हैं नीचे, पानी गर्म करने को लगाया था, शायद पानी गर्म हो गया होगा अभी तक। और काफ़ी ज़्यादा हल्ला है, मतलब इस बार ना जहाँ तक मेरे को लगता है ना, सारे बिजनेसमैन का ना बिजनेस कम हो गया होगा, मतलब लॉस में ही जा रहा होगा लगभग, उतनी मतलब उतना प्रॉफिट नहीं हो रहा होगा पिछली बार जैसे। क्योंकि अब जब से कोरोना के टाइम में ना सबकी इनकम बंद हो गई, तो लोग इनकम बंद हुई, सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट पड़ा है वो है ऑटोमोबाइल कंपनी पे, ऑटोमोबाइल यानी मोटर्स कंपनी पे या फिर ऑटोमोबाइल कंपनी पे, ये दोनों पे सबसे ज़्यादा लॉस हुआ है। क्योंकि क्या हुआ ना कि अब लोग के पास जब इनकम नहीं तो लोग गाड़ी खरीदेंगे। अच्छा, और दूसरी बात ये है कि पेट्रोल महंगा हो गया इतना ज़्यादा कि लोग गाड़ी चलाना ही नहीं चाहते हैं, साइकिल से लोग खुश हैं या फिर जो पुरानी गाड़ी है उनमें ही खुश हैं। क्योंकि गाड़ी के दाम, मतलब कंपनी वालों को भी समझना चाहिए कि जब इनकम नहीं है और पेट्रोल इतना महंगा है तो कम से कम गाड़ी के दाम तो कम होने चाहिए। तो उल्टा में गाड़ी के दाम बढ़ते जा रहे हैं, FI टेक्नोलॉजी आ रही है, तो अलग अलग टेक्नोलॉजी आ रहा है, BS6 आ रहा है, उसकी वजह से दाम बढ़ते जा रहा है और बिक्री कुछ हो नहीं रही है। तो सबसे ज़्यादा लॉस ऑटोमोबाइल वाले सेक्टर को हुआ है। और देखो, जो सबसे बेस्ट सेक्टर है ना वो है खाने पीने वाला सामान है और जो ज्वेलरी वाला है। ज्वेलरी वाले शायद सोना कितना भी महंगा हो जाए, लोग धनतेरस के टाइम पर खरीदते ही खरीदते हैं, कुछ ना कुछ खरीदेंगे, वो चांदी के सिक्के खरीदेंगे, जैसे हम लोग खरीदने वाला है चांदी के सिक्के भी खरीदेंगे, बट खरीदेंगे क्योंकि ये धनतेरस में शुभ होता है। और उसके बाद से जो कपड़े वाले सेक्टर है, कपड़े वाले के लॉस कभी नहीं होता है, क्योंकि गाड़ी चलाए या ना चलाए लोग कपड़े तो पहनेंगे, तो वो कभी लॉस में नहीं जाने वाला है। तो उन लोगों के लिए चलती इतनी भीड़ है। सुबह मैं गया जिम, 5 बजे, मैं 5:30 बजे मैं जिम जाता हूँ, उस समय सारे बर्तन वाले दुकान वाले अपने सारे बर्तन मतलब सजा वजा के उसी समय दुकान वकान खोल दिया था उन लोगों ने, क्योंकि आज बर्तन की बिक्री होती है बहुत ज़्यादा, धनतेरस के दिन शुभ होता है बर्तन खरीदना भी। हम लोग जाएंगे खरीदने मार्केट में, आपको भीड़ दिखाऊंगा मैं कितनी भीड़ होती है। तो फाइनली मैंने अभी नहा वाले पूजा भी कर लिया मैंने, क्योंकि आज मंगलवार था और मंगलवार को स्पेशली मैं ये टी शर्ट पहनता हूँ, क्योंकि मंगलवार को रेड पहनते हैं, बजरंगबली कलर होता है वो, और रेड तो नहीं होता है बट ये पिंक मतलब चल जाता है, तो इसीलिए मंगलवार को मैं इसी को पहनता हूँ हमेशा। और फिलहाल अभी खा रहे हैं, नाश्ता करते हैं, नाश्ता वास्ता करेंगे, मम्मी ने अभी तक नहाया नहीं, मम्मी नहा लेगी, उसके बाद से हम लोग मार्केट के लिए जाएंगे। मार्केट के लिए अभी इतना जल्दी जाएंगे नहीं क्योंकि सुबह सुबह का टाइम, अभी मम्मी के काम है बहुत सारे। फिलहाल अभी खाना खाऊंगा, मैं आराम करूंगा। तो फिलहाल अभी खाने में अपने पास चने की सब्ज़ी और रोटी, और ये बाहर आवाज़ ट्रैक्टर जा रहा है बाहर, तो फिलहाल अभी इसको खाते हैं और खाने के बाद आपसे बात करते हैं। तभी हम लोग रेडी हो चुके हैं मार्केट जाने के लिए, मैं जा रहा हूँ मार्केट और मम्मी जा रही है साथ में, तो हम लोग पैदल ही जाने वाले हैं क्योंकि आज के दिन चाहते हैं तो बाइक से जा सकते, बाइक घर पर डैडी आज छोड़ गए लेकिन बाइक से इसमें जा रहे क्योंकि आज मार्केट में इतनी ज़्यादा भीड़ होती है, इतनी ज़्यादा भीड़ कि बाइक चल नहीं पाती है, उसमें पैदल जाना ही मुश्किल होता है, उसमें बाइक लेकर लोग घुस जाते हैं तो प्रॉब्लम तो होती है, तो इसीलिए हम लोग जा रहे हैं अभी पैदल ही जाएंगे, सामान भी लेना थोड़ा। तो सबसे पहले जाएंगे, सबसे पहले क्या लेंगे, हम चांदी का सिक्का ना, सबसे पहले चांदी का सिक्का लेंगे, तो उसके बाद फिर सोना कुछ लेंगे, तो फिर उसके बाद बर्तन टाइप का कुछ लेना, उस वजह से बताते हैं आपसे क्या क्या मतलब ले रहे हैं। अभी निकलते हैं, बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है अभी। तभी यहाँ पे लगा हुआ है पूरा लंबा जाम आगे तक, मतलब जहाँ तक नज़र जा रही है वहाँ तक जाम लगा हुआ है पूरा। तभी हम लोग सबसे पहले आए हुए हैं एस्प्रा ज्वेलर्स में, जा रहे हैं हम लोग चांदी का सिक्का खरीदने के लिए, और यहाँ की भीड़ मैं आपको दिखाता हूँ, मतलब फिर भी पिछले साल से कम भीड़ है फिर, और अभी वैसे शाम हो चुका है, शाम के बज चुके हैं 2:30 बज रहे हैं, इसीलिए भीड़ थोड़ी कम लग रही है, वरना दोपहर का टाइम होता ना तो बहुत ज़्यादा भीड़ होती है उस समय। अभी देखो आ चुके हम एस्प्रा ज्वेलर्स पे, तो चांदी का सिक्का देने के लिए उन्होंने उधर काउंटर बनाया हुआ है, उधर अलग चांदी का सिक्का के लिए वहाँ पे काउंटर लगा हुआ है। तो चांदी का सिक्का हम लोगों ने ले लिया था, हम लोगों ने 50 ग्राम का चांदी का सिक्का,
अब जैसे क्या होता है ना, हाँ चांदी का सिक्का लोग ज़्यादातर खरीदते हैं, इसलिए उसका अलग स्टॉल ही बना देते हैं लोग, और अलग स्टॉल बना करके उसमें लिखा रहता है कितने कितने ग्राम का, वो कितने कितने प्राइस का पड़ेगा। तो हम लोगों ने 50 ग्राम का लिया, हर साल हम लोग इतने का ही लेते हैं, हर साल हम लोग मैक्सिमम वाला लेते हैं, लेकिन इन्होंने लिमिट इस बार बढ़ा दिया था, तो उतना महंगा कौन लेने जाए। हम लोग बस लेना था, शुभ करना था, शुभ हो गया। अभी जा रहे हैं हम लोग कुछ गोल्डन का लेना, गोल्डन का यहाँ पर लेते लो तो कुछ ज़्यादा महंगा पड़ता, तभी हमें जाना बालाजी ज्वेलर्स में, वहाँ पर जाके लेंगे। अभी आ चुके हम लोग बालाजी ज्वेलर्स पे, तो यहाँ पर से लेंगे, यहीं पर से लेना है, इसी पर से ले लेती, कहाँ उतना दूर चढ़ रहे। हाँ तो चलो वहीं से लिया जाएगा तब। तो हम लोग यहाँ से लेंगे, यहाँ भी है बालाजी ज्वेलर्स, बढ़िया भीड़ देखो, यहाँ पे भीड़ उतनी। तो बस शुभ करने के लिए कुछ ले लेना हम लोग को, नाक वाक में कुछ भी, तो मम्मी लेगी अपने पसंद से कुछ भी, मतलब पतला वतला कुछ। तभी हम लोगों ने लिया ये मोर का पंख, 12 पीस 100 रुपये में, इसको लगाएंगे हम लोग रूम में। और अभी ले रहे हम लोग कपड़ा लक्ष्मी जी का और गणेश भगवान का। सब कुछ तो हम लोगों ने ले लिया, बस अब लास्ट में बर्तन वाला सामान बचा हुआ है, तो यहाँ से बर्तन वगैरह लेंगे। हम लोग लेंगे एक तांबा का जग, जिसको जो कि हेल्थ के लिए बहुत अच्छा था, उसके बेनिफिट मैं घर चल के बताऊँगा आपको। और यहाँ की भीड़ आप देख लो, अंदर भी पूरी भीड़ लगी हुई है। अच्छा मतलब अंदर तांबा है और बाहर स्टील, फायदा तो हम लोग अंदर ही से ना है। और वो वाला कितना पूरा अंदर बाहर तांब, वो कितने का है? 970। ये वाला सस्ता है, यही ठीक है, अंदर ही से ना, मतलब है पानी रख लिया जाएगा रात को सुबह। तो फाइनली अभी हम लोग घर पे आ चुके हैं, और घर आने के बाद फाटक खोलो मैं पूरा लाइट आने दो। हाँ तो अभी घर पे आ चुके हैं, और मैं एक बार और दिखा देता हूँ आपको हम लोगों ने क्या क्या खरीदा है। तो सबसे पहले इसमें है, इसमें काफ़ी ज़्यादा सामान है, इसमें ये तो भगवान जी के लिए कपड़ा वगैरह है, चद्दर कपड़ा भगवान जी के लिए, मम्मी का चूड़ी, और ये एक शॉर्ट लिया था मैंने अपने लिए, और ये गोल्डन में हम लोगों ने ये लिया है, नाक में कील करते हैं इसको, और ये एक मैंने शॉर्ट लिया अपने लिए ब्राउन कलर का। और इसमें ये स्टिकर्स वगैरह लिए हम लोगों ने, ये निकल गया उसमें से, ये स्टिकर्स वगैरह हैं लगाने के लिए रूम में और दरवाजे पर, और ये बिल है उसको पकड़ो, और ये अपना तांबे वाला जग जो कि अंदर से तांबा है बाहर से स्टील है, अगर उसको टाइट करो उस तरह नहीं खुलेगा, अभी नया है ना, तो अंदर से तांबा, वैसे हम लोग को मतलब सिर्फ अंदर से है, क्योंकि इसमें क्या है ये होता है दोस्तों, इसमें देखो फायदा क्या होता है, तांबे में पीना से ना कि रात को अगर इसमें पानी रख दो, सुबह में पियो ना, तो ये आपको हेल्थ का बेनिफिट करता है, आपका डाइजेशन वगैरह सही रहता है। अब जब हम लोग यूज़ करना शुरू करेंगे तो आपको बताएंगे, क्योंकि डेली वॉक करना स्टार्ट हो चुका है, डेली जो होता रहेगा वो बताते रहेंगे आपको। और हम लोग गए थे 2:15 या 20 मिनट हो रहा है, तभी हम लोग उसके पहले ही चले गए थे, और अभी 3:30 से ऊपर हो चुके, 3:45 हो गया, तब अभी घर पे आए लोग। और ये है पेटीज लेकर आया था खाने के लिए, जब इतना शॉपिंग कर लिया तो भूख भी लगी रहती, तो पेटीज लेकर आया खाने के लिए, अभी इसको खाते हैं। ये थोड़ी नई हैबिट डेवलप किया मैंने एक घर में बाती जलाने, क्योंकि इस घर में हम लोग जो कैलेंडर रखते हैं वो है भगवान जी का, जिसमें गणेश जी हैं, लक्ष्मी माता हैं, सरस्वती माता हैं, उनके तो शाम को उनको भी दिया वगैरह दिखाना जरूरी होता है, तो जो लड़के होते हैं उनको दिया जला नहीं जलाना चाहिए, बाती जलाना चाहिए, तो मैं बाती जलाता हूँ। अभी लोग बाती जलाने बात कितना धुआं हो चुका है, पूरा धुआं धुआं पूरा फैला हुआ, अभी पंखा चलाऊंगा तभी अच्छे से बाहर निकलेगा वैसे, और ठंडी के दिन आ चुका है तो पंखा चलाने का मेरा मन नहीं कर रहा, क्योंकि पंखा चलाने से क्या ठंडी लगने लगी, मतलब देखो पंखा ना चलाओ तो थोड़ी बहुत
गर्मी लगती है, पंखा चला दो तो ठंडी लगने लगती है, तब तो समझ में नहीं आता। तो मेरे को सबसे बेस्ट लगता है पंखा चला लो, चादर ओढ़ लो, तो सबसे ज़्यादा बेस्ट रहता है वो। तो फिलहाल अभी शाम के बज चुके हैं, 6 बजने वाला है, और अभी मैं जा रहा हूँ वीडियो एडिट करने के लिए। वीडियो एडिट एडिट करने वाला हूँ मैं, रील्स एडिट करना, और रील्स कैसे, रील्स तो मैं बनाता नहीं हूँ बट फिर भी, क्योंकि मैंने कुछ सोचा है, तो पहले उसके लिए लैपटॉप लेकर के आते हैं। तो मैंने क्या सोचा है सबसे बेस्ट चीज़ की, देखो रील्स तो मैं बनाता नहीं हूँ और मेरे को पसंद है ट्रैवलिंग, तो मैंने सोचा कि ट्रैवलिंग का जब कंटेंट अपना बनाना है ट्रैवलिंग का, तो उसको थोड़ा कंटेंट को और थोड़ा अच्छा करते हैं। जरूरी नहीं है कि हर बार लॉन्ग वीडियो ब्लॉग ही बनाए। तो मैंने क्या सोचा है ना, मैंने अपने ब्लॉग में से जो सिनेमैटिक पार्ट वाले हैं उसको काट लूँगा और उसको रील्स की तरह या फिर शॉर्ट्स बना के यूट्यूब पर डालूंगा, शॉर्ट्स बना के और रील्स बना के डालूंगा इंस्टाग्राम पे। तो उससे मेरा जो इंस्टाग्राम का अकाउंट है उससे वो ट्रैवलिंग नीच का हो जाएगा, मतलब उसका जो बेस होगा वो ट्रैवलिंग वाला होगा कि ट्रैवलिंग कंटेंट उस पर पड़ेगा, और जो अपना यूट्यूब पे है उस पर शॉर्ट्स भी डाल दूंगा मैं, तो वो ज़्यादा मेरे अच्छा रहेगा। तो वही मैं एडिट करने वाला हूँ, मैं अभी लेकर हूँ थोड़ा मेहनत है उसमें, क्योंकि सारे फुटेज को लेना पड़ेगा फिर उसको एडिट करना पड़ेगा और 15 सेकंड के मात्र करना है उसको, तो थोड़ा मेहनत है उसमें, अभी लागे उसको करते हैं अभी। तो फाइनली अब मैंने अपने रील्स को एडिट कर लिया, अपलोड भी कर दिया इंस्टाग्राम पे, तो आप जाके इंस्टाग्राम पे देख सकते हो, मेरा इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और मैंने उसको रील्स, उस रील्स को मैंने शॉर्ट्स में अपलोड किया था बट उसमें कॉपीराइट लगा था, मैंने डिलीट कर दिया, क्योंकि क्या हुआ ना कि वो जो सॉन्ग था वो उस पर कॉपीराइट आ गया। अब मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा कि वो सॉन्ग पे मैं बनाऊँ कैसे, क्योंकि जो स्पेशली जो ट्रैवल वाले रील्स होते हैं ना, उसका जो सॉन्ग का वाइब होता है ना बिल्कुल अलग होता है, वो चीज़ जल्दी मिल नहीं पाता हर एक, नहीं तो मैं चाहूँ तो बॉलीवुड सॉन्ग पे डालूँ तो वो तो पड़ सकता है, बट जो ट्रैवल वाली फील आना चाहिए जिस गाने में, वो चीज़ मेरे को नहीं मिल पा रहा है यूट्यूब पे, इसीलिए प्रॉब्लम हो रही है। तो फिलहाल तो अपलोड कर दिया मैंने रील्स को इंस्टाग्राम पे, अब जाके देख लो। और जब से मैंने रील्स को बनाया बड़ा अच्छा लग रहा है मेरे को, अब 2-4 रील्स बना सकता हूँ मैं, उससे ज़्यादा नहीं बना सकता हूँ, बस वो मैंने सोचा था कि एक मेरे दिमाग में ऐसे ठनका कि हाँ तो कर सकते हैं, तो उसको मैंने कर दिया। इसलिए फिलहाल अभी रात के बज चुके हैं, 8 बजने वाले हैं, और कल का मेरे को काम अभी से मेरे को दिखाई दे रहा है। सबसे पहला काम तो अपना ये है कि अपने को लाइट लगाना है, क्योंकि दिवाली आ रही है तो रूम में लाइट होना चाहिए, जो पहले से अपना जो लाइट था जैसे वैसे लाइट लगा देंगे। और ये अपना बचा हुआ है टेबल, जो टेबल पर जो कॉपी बुक है इसको कॉपी बुक को हटाना है, क्योंकि कॉपी बुक मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, जल्दी पढ़ता नहीं हूँ मैं। तो केमिस्ट्री का रखूँगा, क्योंकि मैं जैसे कि मेरा जो एडमिशन होने वाला वो होना बी फार्मा में, तो उसमें केमिस्ट्री की ज़रूरत पड़ेगी, फिजिक्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो मैं फिजिक्स और बाकी सारी बुक्स हटा दूंगा, बस केमिस्ट्री की बुक्स रखूंगा, एक दो कॉपी रखूंगा नोट्स वगैरह बनाने के लिए, बस बात खत्म। इस टेबल को मैं ज़्यादा से ज़्यादा नीट एंड क्लीन रखना चाहता हूँ इसको, ताकि ये मेरा एडिटिंग टेबल कहला सके, इस पर आराम से मैं काम वाम कर सकूँ। अभी एडिटिंग में अब बिस्तर बैठ कर रहा था, जैसे लैपटॉप वहाँ पर रखा हुआ है आराम से सो के। तो फिलहाल इस ब्लॉग करते हैं एंड, तो थैंक यू फॉर दिस वीडियो, अगर अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मिलता है अपने वीडियो में, तब तक के लिए।